जाफराबाद थाने की टीम ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया जिसने अपने ही दोस्त का कत्ल किया था। उत्तर पूर्वी जिला के डीसीपी संजय कुमार सेन ने बुधवार की रात मीडिया को बताया कि 18 सितंबर की रात 10:40 पर जग परवेश चंद्र अस्पताल से एक सूचना मिली कि गंभीर रूप से एक घायल युवक आया है जिसकी इलाज के दौरान मौत हो गई है। पुलिस टीम अस्पताल पहुंची और मृतक की एमएलसी को लिया जिसकी पहचान शाहरुख पुत्र निसार अहमद के रूप में हुई जो रहने वाला गली नंबर 4 चौहान बांगर जाफराबाद का है जिसकी उम्र 22 वर्ष है। पुलिस ने सभी आवश्यक औपचारिकताओं का पालन करने के बाद मामला दर्ज किया था जिसकी प्राथमिक संख्या नंबर 669/22 धारा 302 के तहत 19 सितंबर को मामला दर्ज किया था जहां आरोपी को पकड़ने के लिए एक टीम बनाई थी जाफराबाद थाने के एसएचओ ने। इस टीम के अंदर एसआई मनीष, एएसआई रजनीश, हेड कांस्टेबल प्रदीप कुमार, हेड कांस्टेबल अशोक, हेड कांस्टेबल जोगिंदर और हेड कांस्टेबल गुलाब इस टीम में शामिल थे। पुलिस टीम ने घटनास्थल के आसपास के लगे तमाम सीसीटीवी फुटेज चेक किया और उनका विश्लेषण किया, तकनीकी निगरानी लगाई और मानव स्रोतों को भी तैनात किया गया। इस कवायद से इस बात की पुष्टि हुई कि मृतक शाहरुख सीलमपुर इलाके में एक लोहे की फैक्ट्री में डाई बनाने का काम करता था। घटना के दिन मृतक शाहरुख को उसके दोस्त सलमान उर्फ लैला के साथ देखा गया था, उसी कारखाने में भी आरोपी काम करता था। आगे ये भी पता चला कि ये दोनों ड्रग एडिक्ट हैं और घटना के दिन उनका ड्रग को लेकर किसी बात पर विवाद हुआ था। जब सलमान उर्फ लैला पुत्र नसीमुद्दीन निवासी गली नंबर 10 चौहान बांगर जाफराबाद का है जिसकी उम्र 25 वर्ष है, उसकी घर पर जांच की तो वह गायब पाया गया। वही मृतक के परिवार वालों ने भी यही बताया था कि सलमान ने हत्या की है। आरोपी का पता लगाने के लिए गुप्त मुखबिरों को भी तैनात किया और आखिरकार आरोपी के बारे में एक गुप्त सूचना प्राप्त हुई कि आरोपी जाफराबाद मेट्रो स्टेशन के पास देखा गया। पुलिस टीम ने जाल बिछाया और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी ने अपना अपराध कबूल कर लिया। आरोपी के पास से चाकू बरामद हुआ है और जिस समय जो आरोपी ने कपड़े पहन रखे थे जो खून से छन गए थे वह भी बरामद कर लिए हैं। आरोपी से पुलिस कर रही है पूछताछ।